नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ट्रेंच का गन्ना सब बोने वाले हैं। और अगर जो बोने वाले भी नहीं हैं वो लोग भी छोटा ट्रैक्टर लेके अपनी खेती को आसान कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीनें बहुत थोड़ी थोड़ी हैं अब लोगों के पास। और ये छोटे ट्रैक्टर भी बहुत पावरफुल हैं, 40-40, 50-50 HP में ये ट्रैक्टर हैं। बड़े ट्रैक्टरों से भी अच्छे बवाई ये करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये ट्रैक्टर केवल 1,60,000 रुपये में हमें मिल सकता है। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं वीडियो में 40 HP का ट्रैक्टर है। कंपनी जो है चाइना की है, चाइना में ही इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ये कंपनी ट्रैक्टर के पार्ट सारी चीज़ें बनाती है। मैंने जब इसके कंपनी के रेट देखे 1,60,000 रुपये में 40 HP का ट्रैक्टर, तो मैंने इन लोगों से मेल किया, बात की। मेल पे इन्होंने मुझे पूरा अच्छी तरीके से रिप्लाई करा और ये लोग ट्रैक्टर प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है इंडिया में भी। मैंने अभी अब इन पे इस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ये ट्रैक्टर 40 HP का जो यहाँ पे कुबोटा या किसी और कंपनी का मिल रहा है, ये 5.5-5 लाख रुपये के क्यों है फिर? क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त पावरफुल ट्रैक्टर है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन्होंने मुझे बोला कि 2 साल का हम आपको टैक्स सपोर्ट भी देंगे, अगर आपको ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बता देंगे आपके मिस्त्रियों को ये कैसे ठीक होगा। जो भी पार्ट आपको चाहिएगा वो हम यहीं से भेज देंगे। और ट्रैक्टर की 2 साल की पूरी फुल वारंटी है पार्ट्स की, अगर कोई दिक्कत आती है तो ये लोग पार्ट्स भी हमें देने के लिए तैयार हैं। अब समस्या ये आ रही है कि अगर मैं ट्रैक्टर यहाँ मंगवा लेता हूँ तो ट्रैक्टर दिल्ली तक वो पहुँचा देंगे, लेकिन मैं ले भी आऊँगा, लेकिन क्या वहाँ उतरने के बाद मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्या वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, या मुझे कोई पेपर चाहिए, या क्या दिक्कत मेरे सामने आने वाली है? सिर्फ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ट्रैक्टर एकदम एक नंबर है, सारे इनके यंत्र अगर हम खरीदना चाहें तो सब कुछ मिलेगा, रोटरी से लेकर हर चीज़, मिट्टी चढ़ाने के यंत्र हैं, सारी चीज़ हैं इसके इनके पास। किसान भाइयों, मैं ज़रूर इन ट्रैक्टर्स को, रोटरी को, इनके जो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे हाथ के 12-12 HP के जो रोटावेटर हम यहाँ पे 7 HP का, 20 HP का, किसी और कंपनी का 1.5 लाख रुपए तक खरीदते हैं, ये वहाँ पे केवल 40 से 50 हज़ार, 30 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं। 5-5 HP के ट्रैक्टर जो छोटे वाले हैं हाथ वाले, वो केवल और केवल 30 से 35 हज़ार रुपये का है, और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत यही प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होकर यहाँ पे हमें 5.5-6 लाख रुपये में मिलते हैं। अगर किसी भाई को इस बारे में नॉलेज हो कि ये क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हम ऐसे मंगवा सकते हैं नहीं, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे इसमें बारे में आगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे बात कर ली, वो लोग देने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ का प्रूफ है। किसान भाइयों, अगर किसी को जानकारी है तो ये बताना कि अगर हम एक यूनिट यानी एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं वहाँ से किसान के रूप में, भाई हम कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या सच में ही हम ऐसे मंगा सकते हैं नहीं, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। मैंने उनसे अच्छी तरह बात कर लिया, मैं इसी विषय पर अब शोध कर रहा हूँ कि हम वहाँ से मंगाएंगे तो हमें क्या दिक्कत है आने वाली, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दिया। वो बोल रहे हैं कि आप 1 मंगाओ या 10 मंगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जब हम ज़्यादा मंगा रहे हैं तो 1.5 लाख वाला हमें 1.25 लाख 1 लाख रुपये में ही पड़ रहा है। अगर हम 1 से 3 यूनिट मंगवाते हैं, 3 से ऊपर जितनी भी मंगाएंगे तो हमें और सस्ता दे रहे हैं। तो अगर किसी को कोई जानकारी है तो कृपया मुझे ज़रूर बताना, मैं भी इस पे जानकारी अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वहाँ से रोटावेटर और ये यंत्र हमें सस्ते मिलते हैं तो हम वहाँ से ही मंगाएंगे, हम यहाँ से इतने महंगे महंगे क्यों लेंगे? एक BCS का एक छोटा सा रोटावेटर 8 HP का आज 1,60,000 रुपये का यहाँ मिल रहा है, तो ये लूटी है और क्या है। कम से कम किसानों के लिए कृषि यंत्रों पे तो थोड़ी छूट होनी ही चाहिए, लेकिन बस कोई नहीं सुनने वाला है, सब ऐसे ही धड़ल्ले से चल रहा।